नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज से हम तैयारी शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश सिविल जज 2018, जो कि अभी नया नोटिफिकेशन आया है। इसके विषय क्रम में हम बात करते हैं जो 150 नंबर का पेपर आने वाला है 150 मार्क्स का। इसमें आप जानते हैं 110 नंबर का लॉ आने वाला है, जिसको कि हम साथ में पढ़ेंगे। इस समय मैं फोकस्ड हूँ 40 नंबर पर, जो कि GK कंप्यूटर और इंग्लिश के बेसिक पोर्शन से आता है। उस पर अक्सर हम लॉ वालों का ध्यान नहीं जा पाता है। मैं आपके इस मुश्किल को आसान करने के लिए अब ये वीडियोज़ डालूँगा, जिसमें कि हम उस 40 नंबर को कवर कर रहे हैं आसानी से। उस बारे में अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप लॉ पर फोकस करें और बाकी 40 नंबर पोर्शन मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। तो इसी विषय क्रम में आज से हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर की बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें देखते जाएं आप, इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर का। मैं इंग्लिश में भी दूंगा, कुछ क्वेश्चन हिंदी में भी दे दूंगा। इससे क्या होगा आपके लिए, इंग्लिश में जब कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे तो भाई कठिन नहीं लगेंगे। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है, हम लोग जब प्री का एग्ज़ाम देने जाते हैं सिविल जज में, तो वहाँ लॉ पोर्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो हम अपने हिसाब से माध्यम चुन लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो आता है वो सिर्फ इंग्लिश में ही आता है, तो वह हमारे लिए कई बार दिक्कत दे देता है। इसके लिए अभी से ही हम प्रैक्टिस करेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड बाय, इसका मतलब है कि पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा उसका निर्माण किया गया था कंप्यूटर का पहला। तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया, सी आंसर है, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक अर्थात कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, जो कि अगला क्वेश्चन यही है, हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स, अर्थात कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नाम देख लें, लॉर्ड बिलिंगटन, जैक किल्बी, बिल गेट्स, नहीं, डी आंसर है, चार्ल्स बेबेज, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया। अब देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा अलग है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज किसने की है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज, इसमें आप ऑप्शन देख लें, इसमें ए आंसर सही है, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज की। इसमें ध्यान रखें, कंप्यूटर तो फादर जो है चार्ल्स बेबेज हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज की है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। अगला है, द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन, तो डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहले बार कहाँ डेवलप किया गया था, तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन में किया गया था, बी नंबर पे, ठीक है। जबकि डिजिटल से पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स है वह USA अमेरिका में किए गए थे, जबकि इस डिजिटल कंप्यूटर को डेवलप किया गया था ब्रिटेन ने, अर्थात ब्रिटेन ने वैज्ञानिक को धन मुहैया कराया, सुविधाएँ दी गई थी ताकि डिजिटल कंप्यूटर को डेवलप कर सके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फॉर विच वर्ड द लेटर जी हैज़ बीन यूज इन 2G स्पेक्ट्रम, तो जो कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं 2G स्पेक्ट्रम, बीच में घोटाला भी हुआ था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तो ये जी का अर्थ यहाँ पर क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जी शब्द से क्या मतलब है, क्या जी का अर्थ ग्लोबल है या गवर्नमेंट है या जनरेशन है या गूगल है। तो याद रखें इसमें सही आंसर क्या है, सी है इसका सही आंसर, जनरेशन। 2G स्पेक्ट्रम का मतलब है सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी का स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो आजकल हमारे हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह है, कहते हैं हमने इंटरनेट पैक जो डलवाते हैं 3G इंटरनेट, 4G, तो इसका मतलब है 3G मतलब थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी का ये मोबाइल है, 4G मतलब फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी का ये मोबाइल है, ठीक, क्लियर है एकदम। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अ पेन ड्राइव इज, तो पेन ड्राइव क्या होती है, आपने देखा होगा आजकल हम लोग जो है पहले CD का यूज़ अधिक करते थे, कहीं पे फिल्म लेने के लिए जाना है, किसी से गाने वगैरह मांगने हैं, ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो अक्सर CD में बनाते थे। उससे भी पहले फ्लॉपी डिस्क चलती थी, एक छोटी सी काली सी, उसके बाद CD DVD ये चलने लगी, DVD में और ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाता था। उसके बाद हम ये पेन ड्राइव, आजकल पेन ड्राइव चल रही है, छोटी सी होती है स्लॉट टाइप का, तो उसको हम लाते हैं किसी के भी कंप्यूटर में लगाया, उससे मटेरियल इकट्ठा किया और उस पेन ड्राइव में कई सारी CD DVD से अधिक मटेरियल इसमें आ जाता है। आपने, आपके पास भी पेन ड्राइव होगी, 2 GB की, 4 GB की, 8 GB की, 16 GB की पेन ड्राइव, ये अलग अलग पेन ड्राइव आती हैं। तो ये जो पेन ड्राइव होती है ये क्या है, तो इसमें सी आंसर सही है, अ रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। देखिए सबसे पहले रिमूवेबल की बात की गई है, रिमूव करना मतलब हटाना,
तो रिमूवेबल मतलब हटाने योग्य, ये एक डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी डिवाइस है जिसे हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, जबकि इसके ए ऑप्शन में लिखा है फिक्स्ड लिखा हुआ है। तो फिक्स्ड का मतलब है कि उसमें कंप्यूटर हमेशा के लिए फिक्स रहती है, जुड़ी हुई होती है, हटाया नहीं जा सकता, ये गलत है, बल्कि इसे हटाया जा सकता है, ठीक। और सेकेंडरी, ये प्राइमरी नहीं है बल्कि सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर के अंदर होती है, ये सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है, ये एक्सटर्नल अर्थात बाहरी रूप से उसमें लगाई जाती है कंप्यूटर, क्लियर है। अगला माउस इज, तो माउस क्या है, तो इसमें देख लें, माउस है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ध्यान रखें, यहाँ पर बी नीचे लिखा है, तो ये सी आंसर यानी ऊपर लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है ऐसी डिवाइस, ऐसा यंत्र जिससे कि हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। इनपुट का अर्थ ही ये होता है कि कोई चीज़ देना, और आउटपुट का मतलब होता है कोई चीज़ प्राप्त करना, किसी कंप्यूटर में से कोई चीज़ जब निकल के बाहर आ रही है, कोई चीज़ हमें मिल रही है, तो वह आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। और कंप्यूटर में जिस डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं वो इनपुट डिवाइस होती है। इस तरीके से माउस एक इनपुट डिवाइस है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट पे जरूर ध्यान रखें, जब भी कोई क्वेश्चन लगाएं नॉट पर जरूर ध्यान दें, जहाँ कहीं भी लिखा है ये इनमें से कौन सा नहीं है तो उसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है। तो नॉट एन आउटपुट डिवाइस, ये पूछ रहा है निम्न में जो सभी आउटपुट डिवाइस चार दिए उनमें से कोई एक ऐसी है जो आउटपुट डिवाइस का नाम नहीं है, तो वो कौन सी वाली आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, माउस और प्लॉटर। तो अभी अभी हमने देखा कि माउस क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस है, तो जो इनपुट डिवाइस है वो आउटपुट डिवाइस नहीं हो सकती, इसलिए माउस एक इनपुट डिवाइस है। और इसमें बाकी जो ऑप्शन है यानी मॉनिटर, मॉनिटर यानी वो स्क्रीन, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं सामने देखते हैं वो मॉनिटर है। प्रिंटर है जिसे प्रिंटर निकाले जाते हैं तो उससे भी हमें कोई चीज़ मिलती है, ठीक है। और प्लॉटर भी ये आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर दरअसल ग्राफिक्स और जो ग्राफ वगैरह होते हैं, दंड आरेख वगैरह, इनका चित्रण करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो इसमें माउस जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है बल्कि बाकी सभी आउटपुट डिवाइस हैं। अगला द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टुडे इज, कॉमनली यूज़ की जाती है, सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं, तो देखिए इसमें ट्रैक बॉल, स्कैनर, स्कैनर तो नहीं है, मोस्टली यूज़ नहीं की जाती, हर व्यक्ति तो नहीं करता यूज़, कुछ जगह जरूर होती है, ठीक है। ट्रैक बॉल और माउस, इनमें कन्फ्यूजन है। ट्रैक बॉल एक प्रकार से माउस का ही एक रूप है, माउस हम कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं, लैपटॉप के साथ भी यूज़ कर लेते हैं, अलग से उसमें असेंबल कर दिया जाता है, अलग से लगा दिया जाता है, ठीक है। ट्रैक बॉल जो होती है आपने देखा होगा लैपटॉप वगैरह में, एक तरीके से हम कह सकते हैं माउस को उल्टा रखा हो जिसमें ऊपर बॉल निकली होती है, उस बॉल पर ही हम मूव करते हैं, उसको टच करके मूव करते हैं, तो उससे कर्सर इधर से उधर मूव करता है, ठीक है। लेकिन हर किसी के पास वो लैपटॉप नहीं होता, हर किसी के पास उसमें ट्रैक बॉल नहीं लगी होती, इसलिए हम उसे मोस्ट कॉमन यानी सबसे ज़्यादा कॉमन रूप से यूज़ होने वाली चीज़ नहीं कह सकते, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, माउस हो जाएगा, माउस सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है। इसके बाद द बॉडी ऑफ माउस यूज्ड इन कंप्यूटर वाज डिजाइंड अबाउट 40, ठीक है, 40 ईयर्स बैक, देन इट वाज मेड ऑफ, यानी ये कह रहे हैं कि जब माउस सबसे पहले बनाया गया था कंप्यूटर की हेल्प के लिए, कंप्यूटर में काम करने के लिए, तब इसका डिजाइन लगभग आज से 40 साल पहले बनाया गया था। तो उस समय 40 साल पहले जब पहला माउस बनाया गया था तब उसकी बॉडी किस चीज़ की, किस पदार्थ की बनी हुई थी, तो एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, स्टील या वुड, वुड अर्थात लकड़ी, ध्यान रखें इसका सही आंसर है लकड़ी से बनाई गई थी। जी हाँ, आपको ताज्जुब होगा, मुझे भी ताज्जुब हुआ था जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था, तो ये लकड़ी का बना हुआ था, बड़ा बेडॉल किस्म का था, इसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था, उसमें एक ही उसमें बटन लगा हुआ था क्लिक करने के लिए, जो आजकल उसमें दो बटन लगे होते हैं, और बीच में उसको ड्रॉप डाउन करने के लिए बीच में एक बॉल सी लगी होती है जिसको घुमाया जा सकता है, और दो बटन होते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जब ये लकड़ी का बना था तब एक ही बटन था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो इन विच पोर्ट डू यू प्लग इन द केबल ऑफ योर कीबोर्ड, तो जब आप कंप्यूटर अपना स्टार्ट करने के लिए, जब कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट आप खरीद के लेके आए हैं, अब उसमें आपको माउस भी लगाना है, मॉनिटर को आपस में कनेक्ट करना, इसी तरीके से कीबोर्ड है, आप एक नया कीबोर्ड लेके आए, अब उस कीबोर्ड की एक पिन होगी अलग से, उसे हमें जोड़ना है, ठीक है। तो कहाँ पर आप उसको जोड़ते हैं, तो ध्यान रखिए सीपीयू में जोड़ते हैं पहली बात, तो
अगर इसमें सीपीयू दिया होता है तो सीपीयू सही आंसर है। अब सीपीयू वो पूछ रहा है सीपीयू के भी अंदर की चीज़ कि सीपीयू में कई सारे पोर्ट होते हैं, आगे की साइड में जिसमें पेन ड्राइव लगाई होती है या पीछे की साइड में, वहाँ पर भी पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो जो पोर्ट होते हैं जिसमें हम उसको ये कीबोर्ड की केबल को लगाते हैं, उस पोर्ट को बोलते क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा सी वाला, यूएसबी पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला, अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज सिंपली कॉल्ड, नेटवर्कों का भी नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो देखिए इसमें कन्फ्यूजन कितने अच्छे से इन्होंने दिया है, बी में लिखा है इंटरनेट, डी में लिखा है इंटरनेट, ठीक है। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, इंट्रा INTRA और इसमें इंटर INTER, तो सही आंसर होगा डी वाला इंटरनेट। तो जब भी क्वेश्चन करें बिल्कुल ध्यान दें कि पहले उसमें क्वेश्चन में नॉट तो नहीं लगाए और दूसरा इसकी स्पेलिंग में भी ध्यान दें, इंटर और इंट्रा में काफ़ी अंतर आ जाएगा। सही आंसर हमारा इंटरनेट, डी आंसर। अगला है, व्हाट इज़ द इंटरनेट? तो इसमें शुरू के ऑप्शन बड़े अजीब से दिए हैं, नेट फॉर कैचिंग फिश इन द ओशियन, समुद्र में मछली पकड़ने का कोई जाल है क्या इंटरनेट, ये सब इन्होंने यूं ही कुछ ऑप्शन बना दिए हैं। सही इसका आंसर होगा डी वाला, डी आंसर के एन इंटरनेशनल कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, कंप्यूटर बेस्ड यानी कंप्यूटर पर आधारित, और इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं का एक जाल है, ये नेटवर्क मतलब एक जाल है सूचनाओं का, कहा भी जाता है कि इंटरनेट सूचनाओं का एक जाल होता है, ठीक। तो सही आंसर डी है। अगला, स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस इज, यानी इंटरनेट कनेक्शन में सबसे स्लो सबसे धीमी गति का कनेक्शन सर्विस कौन सी है, वो कौन सी सर्विस है जो सबसे धीमा इंटरनेट हमको प्रोवाइड करती है? तो इसमें सही आंसर कौन सा है? तो ये है बी नंबर का, डायल अप सर्विस सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन हमको देती है, जबकि ये नीचे लिखा केबल मॉडेम काफ़ी तेज़ देती है, लीज्ड लाइन भी काफ़ी तेज, और DSL अर्थात डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी काफ़ी तेज़ हमको सर्विस देती है। तो डायल अप सर्विस सबसे धीमा नेट हमको प्रोवाइड करती है। द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट एनी वेबसाइट इज नोन एज, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है आपको, ठीक है, कि वेबसाइट में सबसे पहले आप घुसेंगे जिस भी पेज पर उसे होम पेज कहा जाता है, वेबसाइट में या कहीं पर भी होम पेज होता है सबसे पहले स्टार्ट, ध्यान रखना फर्स्ट पेज नहीं कहते, इसमें सी ऑप्शन जो है फर्स्ट पेज नहीं कहते, पहला होम पेज कहते हैं। अगला, इंटरनेट सिस्टम यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, देखिए जब इंटरनेट का सिस्टम जो होता है कंप्यूटर के सिस्टम, वो कई सारे आपस में टोपोलॉजी से जुड़ा होता है, कई सारे सिस्टम से जुड़ा होता है, बस है, स्टार है, रिंग है, ट्री है, इस प्रकार के बहुत सारे होते हैं। तो ये जो इंटरनेट का सिस्टम है वो आपस में किस माध्यम से जुड़ा होता है? तो उसका आंसर है ट्री, डी ऑप्शन, ठीक है, ट्री माध्यम से वह आपस में जुड़े होते हैं, जिस प्रकार से पेड़ में शाखाएं निकली होती हैं उसी प्रकार से इसकी कंप्यूटर को आपस में ब्रांचेस के माध्यम से जोड़ा होता है, उस पूरे जो स्ट्रक्चर उसे कहते हैं ट्री टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद अगला, द इंटरनेट वर्क्स ऑन, इंटरनेट जो काम करता है हमारा, वर्किंग करता है, वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो बी आंसर सही है इसका, पैकेट स्विचिंग ओनली, सिर्फ और सिर्फ पैकेट स्विचिंग होती है, यानी छोटे छोटे उसके वेवलेंथ के और स्पेक्ट्रम के छोटे छोटे पैकेट इधर से उधर स्विच करते हैं, उससे इंटरनेट हमारा चलता है। अगले पे आ जाते हैं, एमएस डॉस वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन, तो एमएस डॉस जो हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस जिसको कहते हैं, ठीक है, डॉस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सबसे पहली बार कब इसको रिलीज़ किया गया था, सबसे पहली बार कब आया था ये, तो सन 1981 में आया था, MS DOS आया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, द लेयर बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क इज नोन एज, तो फिजिकल और नेटवर्क के बीच में जो लेयर होती है जो उनको जोड़ती है दोनों को, उस लेयर को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है ए वाला, डाटा लिंक लेयर, क्या कहते हैं इसको? डाटा लिंक लेयर इसको कहा जाता है। अगला, ये लिखा है तलाश, ध्यान रखिए ये क्या लिखा है, तलाश, तलाश क्या है, ठीक है। तो तलाश ये इसमें देखें आप सी नंबर का, अ मल्टीमीडिया पोर्टल, तलाश एक मल्टीमीडिया पोर्टल है, ठीक है, ऑन इंटरनेट, ये इंटरनेट पर उपलब्ध है, एंड एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी OCR कहा जाता है इसको, ऑप्टिकली रिकॉग्निशन होता है इसमें, ठीक है।
ये एक सॉफ्टवेयर होता है, OCR सॉफ्टवेयर इन, ये इंपॉर्टेंट है, देवनागरी डेवलप्ड बाय सीडेक। ठीक है, देवनागरी बोला जाता है हमारी हिंदी भाषा को लिखने की जो लिपि है उसको कहते हैं देवनागरी लिपि। ठीक, और किस संस्थान, ये संस्थान का नाम है सीडेक, DAC लिखा है ये, सीडेक। ये भारत में महाराष्ट्र में पुणे में स्थित एक कंप्यूटर संस्थान है हमारा, इसके द्वारा विकसित किया गया OCR नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में इंटरनेट में हिंदी में लिखना, हिंदी में पढ़ना, तो उस हिंदी लिपि को डेवलप किया था इसमें, तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसको कहते हैं तलाश। ये जो सीडेक है ये पुणे में स्थित है, इसका फुल फॉर्म अगले ही क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, टू सेफ गार्ड अगेंस्ट साइबर अटैक, यानी साइबर जब हमले होते हैं यानी कंप्यूटर में वायरस वगैरह हैकिंग वगैरह जो होती है इसे साइबर अटैक कहा जाता है, तो उसे सेफ गार्ड यानी उसे सुरक्षित रखने के लिए हमारे कंप्यूटर्स को, एंड थ्रेट्स ऑफ डाटा थेफ्ट, डाटा थेफ्ट का मतलब डेटा चोरी, ठीक है, डेटा चोरी से बचाने के लिए और साइबर हमलों से हमारे कंप्यूटर्स को बचाने के लिए सीडेक ने एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, लॉन्च किया, उसका नाम पूछा है इसमें, तो सीडेक का ये फुल फॉर्म लिखा है द सेंटर फॉर, ठीक है ये पढ़िए, द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये सीडेक का फुल फॉर्म है, हैज डेवलप्ड एज न्यू सॉफ्टवेयर कॉल्ड, तो नया सॉफ्टवेयर बनाया था साइबर हमलों से बचाने के लिए, उसका नाम था, बी आंसर है नयन, क्या नाम था, नयन, नयन नाम से एक नया सॉफ्टवेयर बनाया था। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, नयन बनाया था साइबर हमलों से बचाने के लिए, और तलाश जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये बनाया था हिंदी लिपि यूज़ करने के लिए। अगला, इंडिया मैन्युफैक्चर्ड सुपर कंप्यूटर, तो भारत ने एक सुपर कंप्यूटर स्वयं बनाया, किसी विदेशी तकनीक का यूज़ नहीं किया, भारत ने खुद की अपनी तकनीक से खुद भारत में बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर, तो इसका नाम है परम, क्या नाम है, परम। तो ये कहाँ पर बनाया गया, तो आपको बता दूँ ये परम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, ये मैं बता देता हूँ, आप बता देंगे कहाँ बनाया गया, तो परम सुपर कंप्यूटर बनाया था सीडेक नाम के संस्थान ने, जिसकी बात अभी हमने पहले पिछले क्वेश्चन में की है, और इससे पहले बताया था सीडेक कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सुपर कंप्यूटर परम बनाया गया कहाँ पर, तो डी आंसर है पुणे में इसको डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन यही है, फर्स्ट इंडिजीनियसली, तो इंडिजीनियस वर्ड कहते हैं स्वदेशी को, ठीक है, तो पहला स्वदेशी डेवलप्ड यानी विकसित इंडियन सुपर कंप्यूटर, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो अभी अभी हमने क्या देखा, डी आंसर परम। ठीक, बड़े आसान क्वेश्चन है, तो हमारे 40 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। अगला, द नेम ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, भारतीय सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बी आंसर है परम, किसी भी तरीके से ये घुमाकर पूछ सकते हैं। अगला, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, भारतीय सुपर कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है या जनक किसको कहा जाता है, तो बी आंसर है विजय भाटकर, क्या नाम है, विजय भाटकर। देखिए इन्होंने डी बड़े चतुराई से डी ऑप्शन दिया है, नंदन नीलकेणी, ये आपको सुना सुना सा नाम लगेगा, आपको बता दें नंदन नीलकेणी UIDAI अर्थात आधार कार्ड के प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, ठीक है, तो इसलिए आप कन्फ्यूज नहीं होना, विजय भाटकर इनका सही आंसर है। अगला, वर्ड लेंथ फॉर सुपर कंप्यूटर रेंज अप टू, तो सुपर कंप्यूटर के लिखने की जो शब्द की रेंज है वो कितनी है, तो सी आंसर है 64 बिट की इसकी रेंज होती है। ठीक है, अगला, अमंग फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट फास्टेस्ट एंड कॉस्टलिस्ट, ठीक है, कॉस्टलिस्ट कंप्यूटर, तो सबसे बड़ा फास्ट और कॉस्टलिस्ट कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज काम करने वाला कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, Y2K प्रॉब्लम रिलेट्स टू, तो ये Y2K क्या प्रॉब्लम है, देखिए आपको इसके बारे में बता दूं, ये मुझे खुद को याद है, स्कूलिंग में कॉलेज में जब थे, तो सन 1999 की ये बात है, मैं आपको बता दूं 99 की, उस समय तक कंप्यूटर्स में क्या चलता था कि 1900 वाली सेंचुरी चल रही थी, तो 1900 में पीछे के अंक बदल जाते थे, 90 है, 91, 92, 93, इस प्रकार से सिर्फ उनको दो डिजिट चेंज करने थे, वहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सन 80 के दशक में, 90 दशक, सभी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब 1999 आया तो समस्या ये आई कि 1999 के बाद अगला साल हमारा सन 2000 लगने वाला है, और 2000 में
आखिरी के जो वैसे तो 3 अंक 0 हैं, लेकिन समस्या 3 अंक से ज़्यादा आखिरी के 2 अंक की थी कि 2 अंकों को हम कैसे 0 0 लेके आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग जो बाइनरी कोड होता है उसमें आखिरी में कोई ना कोई अंक लेके होने चाहिए। यहाँ पर दोनों ही अंक 0 0 लेके आना है। और मशीनी लैंग्वेज जो होती है उसमें मशीनी लैंग्वेज भी 0 और 1 में काम करती है सिर्फ। तो बड़ी समस्या आई कि मशीनी लैंग्वेज को हम कैसे बताएं कि 0 को हम कैसे डिनोट करेंगे। तो ये जो बड़ी समस्या, भारी भरकम समस्या आई, इस समस्या को वाई टू के कहा गया। वाई का मतलब ईयर, टू मतलब 2, और के मतलब 1000 को, 1 किलो मतलब 1000 होता है, तो इसलिए ईयर 2000, यानी 2000 ईयर, वर्ष 2000 आने की वजह से जो समस्या पैदा हुई उसे कहते हैं वाई टू के प्रॉब्लम। ठीक, तो इसमें यही आप पढ़ लीजिए, सी ऑप्शन सही है, टू फाइंड आउट अ सूटेबल रिप्लेसमेंट। ठीक है, एक सूटेबल रिप्लेसमेंट कि 1999 के बाद हम रिप्लेस कैसे करें उस वर्ष को, व्हेन द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द ईयर बिकम 0, किसी वर्ष का आखिरी के 2 अंक जब 0 हो जाए तो उसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, इस समस्या को वाई टू के प्रॉब्लम कहा गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। देखिए, ब्रेन वर्किंग की बात आ जाएगी तो सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट आ जाएगा, उससे भी छोटा आ जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वांटम थ्योरी पे काम करता है। अगला, विच इंडस्ट्रीज प्राइमरी यूजर ऑफ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसको कहते हैं शॉर्ट में MICR। इसमें होता क्या है, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय और इंक मतलब स्याही। तो एक ऐसी मशीन होती है MICR मशीन होती है, उसमें MICR टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इसमें क्या होता है कि चुंबकीय रूप से मैग्नेटिक एक स्याही होती है इंक, उससे अक्षर छापे जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं, और ये मशीन उसी मैग्नेटिक इंक से ही छपे हुए अक्षरों को ही रिकॉग्नाइज यानी पहचान पाती है। ठीक, तो ये वाली चीज़ यूज होती है बैंकों में, यूज होती है, ये आंसर है बैंक में। बैंक जब चेक जारी करता है, आप देखना कभी भी वहाँ जो चेक होते हैं, चेक में नीचे चेक नंबर एक अलग से जो आता है हमारा जारी होता है, वह इसी MICR तकनीक से और MICR मशीन द्वारा जारी होता है। जब हम इसको चेक को भर के डालते हैं, उसमें जब नंबर आता है, कोई दूसरा व्यक्ति अपने अकाउंट में डालता है, तो वहाँ भी MICR मशीन इसको चेक करती है। और चेक करने में मशीन ये पढ़ लेती है कि सच में ये एक चुंबकीय यानी मैग्नेटिक इंक द्वारा ही प्रिंट किया गया, तो उस चेक को ऑथराइज कर देती है कि ये चेक सही है। ठीक, अगला, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड का मतलब है कि व्यापक रूप से इस विश्व में हर जगह सबसे ज़्यादा कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो अक्सर इसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मिनी कंप्यूटर तो नहीं है, क्योंकि देखिए सुपर कंप्यूटर तो हो ही नहीं सकता, ये वैज्ञानिक वगैरह यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी नहीं होता। तो ध्यान रखें मिनी नहीं है, बल्कि सही आंसर डी है, माइक्रो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं। घरों में जो यूज होता है वो सभी माइक्रो कंप्यूटर्स है। मिनी कंप्यूटर व्यक्तिगत रूप से यूज़ करने लायक नहीं होते, इतने खर्चीले होते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर हम सब यूज़ करते हैं। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन्फोटेक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो इन्फोटेक जो टर्मिनोलॉजी है यानी उसकी शब्दावली जो है, उसका कौन सा इनमें से एक शब्द नहीं है इस इन्फोटेक टर्मिनोलॉजी का। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो सी आंसर है ऑप्टिकल स्टोरेज, क्योंकि ऑप्टिकल स्टोरेज जो है वह इन्फोटेक का नहीं है शब्द, बल्कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का एक शब्द है, ये ध्यान रखें। बाकी तीनों साइबर स्पेस, अपलोड और मॉडेम, ये इन्फोटेक या आईटी जो है, आईटी टेक्नोलॉजी जो है उस विषय का शब्द है, लेकिन ऑप्टिकल वाला कंप्यूटर साइंस का शब्द है। ये दोनों मिलते जुलते से लगते हैं हमें। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फोटेक टर्मिनोलॉजी। तो फिर से कौन सा नहीं है, तो इसमें डी आंसर है पिनाक। ठीक है, पिनाक हमारे ये युद्ध क्षेत्र की बातें आ गई, उसमें हमारे टैंक रोधी मिसाइलें इनसे संबंधित हैं। ठीक है, तो लॉग इन, मॉडेम और पासवर्ड, ये सभी हमारी शब्दावली आईटी की है, जबकि ये पिनाक नहीं है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इन्फोटेक टर्मिनोलॉजी, ये पूछ रहा है कौन सा वाला इसका पार्ट है, जबकि पिछले 2 क्वेश्चन में पूछा था कौन सा शब्दावली का भाग नहीं है। तो इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा, तो देखिए प्रोटोकॉल बिल्कुल है, TCP/IP प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, लॉग इन बिल्कुल है, आर्ची बिल्कुल है,
तो ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारे शब्द इस शब्दावली का हिस्सा है। अगला, अ सेट ऑफ रूल्स, यानी निर्देशों का पूरा एक समूह दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, पूरे डेटा कम्युनिकेशन को जो निर्देशित करता है, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है प्रोटोकॉल्स कहलाता है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल, देखिए इसको घुमा के इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, तो प्रोटोकॉल किसे कहेंगे, स्टार्टिंग का इसका ध्यान रखें, अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, निर्देशों का एक समूह होता है दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन, जो डेटा कम्युनिकेशन का काम करता है उस पर कंट्रोल रखता है। अगला, इन साइबर लॉ टर्मिनोलॉजी डॉस का मतलब क्या है। देखिए अब आया कन्फ्यूजन, डॉस हमने अभी पढ़ा था, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में वैसे अभी हमारे लिए सॉफ्टवेयर के लिए हम पढ़ेंगे, तो डॉस का मतलब हुआ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन साइबर लॉ में जब हम बात करेंगे, चूंकि हम लॉ वाले हैं तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो साइबर लॉ के लिए इसका अर्थ बदल जाता है। यहाँ इसका मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस, यानी सेवा देने से मना कर देना, अस्वीकार कर देना, तो डिनायल ऑफ सर्विस हुआ मतलब डॉस का। अगला क्वेश्चन है, जंक ईमेल इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड, तो जंक ईमेल का मतलब होता है ऐसे ईमेल, इस प्रकार के मैसेज आपके मोबाइल में भी आते होंगे, ईमेल आईडी पे भी आते होंगे, जो हमारे किसी काम के नहीं होते, जैसे कि कंपनी के कोई मैसेज आ गए, ठीक है, कुछ पुश मैसेज करके आते हैं, कई सारे फिल्मी दुनिया के कुछ मैसेज आते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते, इनको जंक ईमेल कहा जाता है। ठीक, और इन्हीं जंक ईमेल को दूसरा शब्द कहा जाता है, तो डी आंसर है स्पैम। कभी आप अपनी ईमेल आईडी खोलना, उसमें देखना, उसमें एक अलग से एक ग्रुप बना होता है, अलग से एक बॉक्स बना होता है, उसका नाम ही होता है स्पैम। तो स्पैम के अंदर आपको सारे वही मैसेज मिलेंगे जो जंक होते हैं, आपके किसी काम के नहीं होते। ठीक है, अगला, डेजी व्हील प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, ये प्रिंटर्स के टाइप्स होते हैं, तो इनमें से एक नाम है डेजी व्हील प्रिंटर, तो ये किस प्रकार के प्रिंटर का एक प्रकार है, तो डी आंसर है इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है उसका एक प्रकार होता है, इसका नाम है डेजी व्हील प्रिंटर। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, www ऑन द इंटरनेट स्टैंड्स फॉर, जब आप इंटरनेट पे कोई वेबसाइट खोलते हैं तो गूगल में कहीं पर भी सर्च करते हैं, वहाँ लिखा था www. और फिर पूरी वेबसाइट का नाम लिखा होता है जिसको उसका एड्रेस कहते हैं, तो ये www स्टैंड्स फॉर अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है सी वाला, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है विश्वव्यापी, पूरे विश्व में जो व्यापार है, पूरे विश्व लेवल पर है वेब। ठीक है, तो ये जो इंटरनेट होता है उसे वेब कहा जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर होगा। ठीक, अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इसी जो अभी हमने पढ़ा www, ये नोए ब्रैकेट में भी लिखा है, उसका इन्वेंटर, उसका खोजकर्ता कौन है, तो इसका आंसर सही क्या है, सी आंसर है बिल गेट्स। इसका नाम सुना होगा, पहले सबसे अमीर व्यक्ति था पूरे विश्व का, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक था, इसी ने खोज की थी www की। अगला, वर्ल्ड वाइड वेब यानी www इज अ हाइपर मीडिया सिस्टम बिकॉज, तो हाइपर मीडिया सिस्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि बी आंसर है इट लिंक्स टू अदर कंप्यूटर रिसोर्सेज, क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर रिसोर्सेज, दूसरे कंप्यूटर्स के द्वारा जो जानकारी वगैरह है उनसे हमें कनेक्ट कर देता है। ठीक, इसके बाद अगला आ जाएगा, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज, तो ब्लूटूथ जो आप जब तक इंटरनेट नहीं आया था तब तक एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक मोबाइल से, खासतौर पर मोबाइल में यूज़ करते थे, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जो हम यूज़ करते थे, ठीक है, कोई भी चीज़ भेजने के लिए, गाने, फोटोज़, डॉक्यूमेंट, कुछ भी भेजने के लिए यूज़ करते थे, तो आप देखना आपके मोबाइल में ब्लू कलर का एक साइन होगा, ठीक है, तो उसे कहते थे ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ क्या होता था, ये सबसे पहला वायरलेस तरीका था, बिना वायर के, आपस में तार लगाने की ज़रूरत नहीं थी, कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, बिना तार के सबसे पहले डेटा ट्रांसफ़र करने की तकनीक थी, उसे कहते हैं ब्लूटूथ। तो क्या सही आंसर हो जाएगा, डी वाला, वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कहा जाता है उपकरणों को, अब दोनों उपकरण कंप्यूटर हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये वायरलेस यानी बिना तार के कोई भी कम्युनिकेशन करना, कोई भी सूचना भेजना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।